हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। सो आप सब अब इकोलॉजी के चैप्टर्स भी ढूंढ रहे होंगे, तो फिजिक्स का पेपर आपका हो गया, तो इकोलॉजी के चैप्टर्स की क्विक रिवीजन के लिए सो आई विल बी स्टार्टिंग विद द चैप्टर दैट इज बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। तो बायोडाइवर्सिटी के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। इट बायो मीन्स लिविंग, डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी। सो वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। इट इज द डाइवर्सिटी ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन विच रेंजेस फ्रॉम सेलुलर मैक्रोमोलिक्यूल्स टू बायोम्स। मतलब जो डाइवर्सिटी है वो शुरू कहाँ से होती है, सेलुलर मैक्रोमोलिक्यूल से शुरू हो जाती है, और कहाँ तक है डाइवर्सिटी, बायोम्स तक। हु क्वाइंड और पॉपुलराइज द टर्म बायोडाइवर्सिटी, एडवर्ड विल्सन। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और ये भी ध्यान रखना है कि बायोडाइवर्सिटी कहाँ से कहाँ तक रेंज करती है, सेलुलर मैक्रोमोलिक्यूल्स से लेके बायोम्स तक। देर आर थ्री लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी एज प्रिस्क्राइब बाय विल्सन, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब ये बहुत ही ईजी कंसेप्ट है। जेनेटिक डाइवर्सिटी, दैट डाइवर्सिटी दैट इज शोन बाय अ सिंगल स्पीशीज एट जेनेटिक लेवल। जो डाइवर्सिटी जीन्स की वजह से होती है दैट इज कॉल्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी। एग्जाम्पल रोवॉल्फिया वोमिटोरिया, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमालयन रीजन में दैट इज अ प्लांट दैट शोज वेरिएशन इन इट्स पोटेंसी एंड कंसेंट्रेशन ऑफ एन एक्टिव केमिकल दैट इज रेजिन पाइन। तो बेटा ये आपको एज इट इज लाइन लिखनी पड़ेगी कि वट टाइप ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी डू यू सी इन रोवॉल्फिया वोमिटोरिया। दैट इज जेनेटिक वेरिएशन इज सीन इन द पोटेंसी एंड कंसेंट्रेशन ऑफ द एक्टिव केमिकल रेजिन पाइन दैट इट्स सिक्रीट्स। Then genetic diversity can be seen in, there are 50,000 varieties of rice, 1,000 varieties of mango. तो ये भी क्या है, genes में diversity ही है इस वजह से। तो paper में कई बार question आता है 1,000 varieties of mango show which kind of diversity, ठीक है। तो genetic diversity, then species diversity, diversity at species level is called species diversity. अब इसकी example क्या है, western घाट्स में amphibian species ज़्यादा है, क्यों, किससे, eastern घाट से। तो ये क्या हो गई, डाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ स्पीशीज, कि एक जगह पे स्पीशीज की डाइवर्सिटी ज्यादा है, दूसरी जगह पे कम है। एंड थर्ड इज इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, द डाइवर्सिटी एट इकोलॉजिकल और इकोसिस्टम लेवल इज कॉल्ड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो इंडिया में बहुत सारे डेजर्ट्स, रेन फॉरेस्ट और सब कुछ है, पर अगर हम इंडिया का एक डेजर्ट, एक रेन फॉरेस्ट और इसकी डाइवर्सिटी कंपेयर करें फ्रॉम अ स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे, आपके एनसीईआरटी की लाइन बता रहा हूँ, तो इंडिया में उसके एक डेजर्ट में एक पूरी कंट्री नॉर्वे उससे ज़्यादा डाइवर्सिटी है। रीजन बीइंग इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम ऐसा है जो फेवरेबल है इंडिया में, बट वहाँ पर फेवरेबल नहीं है। तो दिस कुड बी कोटेड फॉर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। नाउ ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी की अगर बात करें, अकॉर्डिंग टू IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये आपको याद रखना है। और ये कब ऑर्गेनाइजेशन फाउंड हुई, 2004 में। ये कहती है कि स्पीशीज डाइवर्सिटी कितनी है, मोर देन 1.5 मिलियन। तो बेटा आपको ये ध्यान रखना है, वो यहाँ पर खेलेंगे आपके साथ, ठीक है, MCQ डालेंगे। स्पीशीज डाइवर्सिटी अकॉर्डिंग टू IUCN कितनी है, मोर देन 1.5 मिलियन, लेस देन 1.5 मिलियन, नन ऑफ दीज। तो मोर देन, रॉबर्ट मे उसका ग्लोबल एस्टिमेट है कि जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है वो अबाउट 7 मिलियन है ऑन अर्थ, और अभी सिर्फ 22% ऑफ द टोटल स्पीशीज ही डिस्कवर हुई हैं। तो ये भी आपको याद रखना, मतलब ये एस्टिमेट्स हैं नंबर ऑफ स्पीशीज ऑन अर्थ, ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी एक्चुअली कितनी है। तो मोर देन 1.5 मिलियन अकॉर्डिंग टू IUCN, और रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग 7 मिलियन। अब टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज ऑन अर्थ, ये बेटा तीनों पाई चार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये केस स्टडी में आ सकते हैं, तो ये बहुत ध्यान से समझिएगा। ये दिया हुआ है आपको इनवर्टिब्रेट्स का पाई चार्ट, ये दिया हुआ है वर्टिब्रेट्स का, और ये आपको दिया हुआ है प्लांट्स का। तो एनिमल्स आर मोर डाइवर्स 70% देन प्लांट्स इंक्लूडिंग प्लांटे एंड फंजाए। तो पूरी अगर हम ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी देखें उसमें 70% एनिमल्स हैं, और नॉट मोर देन 22% आर प्लांट्स एंड फंजाए। अमंग एनिमल्स, अगर हम एनिमल्स की बात करें 70%, तो उसमें इंसेक्ट्स ही 70% है। मतलब 70% एनिमल्स में 70% इंसेक्ट्स है, मतलब आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल्स 7 आर इंसेक्ट्स। और जो फंजाई स्पीशीज है दैट इज मोर देन द कंबाइंड टोटल ऑफ ऑल द फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। मतलब फंजाई जो है, अगर हम सारी ये जो क्लासेज हैं आपकी कॉर्डेट्स की, फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और मैमल्स, इनको इकट्ठी भी कर लें तब भी फंजाई उनसे क्या है, ज़्यादा है। तो ये पाई चार्ट्स को आपको याद रखना है, इसका आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर आ सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंसेक्ट सबसे ज़्यादा, फिर अदर एनिमल ग्रुप्स, फिर मोलस्क, फिर क्रस्टेशियन। अगर यहाँ पर देखोगे फिशेज, फिशेज के बाद है बर्ड्स, फिर आपका है रेप्टाइल्स, देन यू हैव एम्फीबियंस, देन मैमल्स। इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर फंजाई, फिर
एंजियोस्पर्म्स है आपका, देन एल्गी, देन मॉसेस, देन फर्न्स एंड एलिस, देन लाइकन्स. तो ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर आ सकता है, तो ये आपको एज इट इज़ याद रखना, क्योंकि वो नाम नहीं वहाँ पे दिए होंगे. अब हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया. इंडिया वर्ल्ड का 2.4% लैंड एरिया कवर करता है, पर कंट्रीब्यूशन इसकी 4 times ज़्यादा है. 8.1% स्पीशीज डाइवर्सिटी के कंट्रीब्यूट करता है. इट इज़ वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज इन द वर्ल्ड. इंडिया में 45,000 स्पीशीज प्लांट्स की हैं और डबल एनिमल्स की है, मतलब 90,000. और अगर हम मेक एक ग्लोबल एस्टिमेट को मान के चलें कि अभी सिर्फ 22% स्पीशीज डिस्कवर हुई हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अभी इंडिया में 100,000 प्लांट स्पीशीज और 300,000 एनिमल स्पीशीज डिस्कवर होनी बाकी हैं. नाउ दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Why biologists cannot calculate the total number of prokaryotic species on Earth? तो बेटा उसके पीछे तीन reasons हैं. First reason is जो conventional taxonomic methods हैं, they are not suitable for identifying microbial species. Conventional मतलब old methods. Second, in laboratory many species cannot be cultured. और lab के अंदर बहुत सारी species हम culture नहीं कर सकते. और एक और third point भी आपके NCERT में दिया हुआ है, इस chapter के third page की सबसे last वाली lines हैं. अगर हम molecular या बायोकेमिकल क्राइटेरिया इनको काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो इनकी पॉपुलेशन मिलियंस में चली जाती है, जिसे काउंट करना इज़ वेरी डिफिकल्ट. तो ये थर्ड पॉइंट है जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट वहाँ पे इट इज़ अवेलेबल. नाउ व्हाट आर द पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. पैटर्न्स मीन्स हम बायोडाइवर्सिटी कैलकुलेट कैसे करते हैं कि स्पीशीज डाइवर्सिटी कितनी है. तो दो पैटर्न्स हैं बेटा, एक है लेटिट्यूडनल ग्रेडियंट, एक है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप. तो पहले मैं बात करूंगा लेटिट्यूडनल ग्रेडियंट. स्पीशीज डाइवर्सिटी लेटिट्यूड के अकॉर्डिंग, मतलब अगर हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो इक्वेटर पे जो डाइवर्सिटी होती है वो ज़्यादा होती है और पोल्स की तरफ कम. ये MCQ CBSE बोर्ड में आया हुआ है कि स्पीशीज डाइवर्सिटी इंक्रीजेस फ्रॉम. तो वहाँ पे चार ऑप्शंस थे, as we move from equator to poles, as we move from poles to equator, as we move away from the equator, as we move near the equator. तो ये आपको ना बहुत ध्यान रखना है, वो उन्होंने सिर्फ शब्दों को घुमाना है. तो बस आपको ये ध्यान रखना है, away from, near, मतलब ये चीज़ों का ध्यान रखना है. तो ये क्वेश्चन MCQ बहुत बार आया हुआ है CBSE में. नाउ जो ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं जिनका लेटिट्यूडल ग्रेडियंट 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ, उनमें मोर स्पीशीज एंड देन टेम्परेट एरियाज या पोलर एरियाज. तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है. अब व्हाट आर द एग्जांपल्स, हाउ कैन यू प्रूव दैट ट्रॉपिक्स में ज़्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी और टेम्परेट्स में कम है, या इक्वेटर्स में ज़्यादा है पोल्स में कम है. तो उसकी ये एग्जांपल्स है आपके पास. सबसे पहले एग्जांपल है नंबर ऑफ बर्ड स्पीशीज. ये बेटा बुक में ना बड़ा बहुत बड़ा सा पैराग्राफ है, तो बच्चों को समझ नहीं आता कि कैसे याद करें. तो आप ऐसे ऑर्डर में चलेंगे, कोलंबिया जो इक्वेटर के बिल्कुल पास है वहाँ पे 1400 स्पीशीज, इंडिया में 1200, न्यूयॉर्क 105 और ग्रीनलैंड में 56. मतलब एज वी आर मूविंग अवे फ्रॉम द इक्वेटर, पोल्स पे आके स्पीशीज ऑफ बर्ड क्या हो गई, बिल्कुल कम हो गई. सेकेंड, एक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रीजन है इक्वाडोर, ठीक है, उसमें 10 times ज़्यादा वस्कुलर प्लांट्स, मतलब जिनमें जाइलम और फ्लोएम होता है, वो 10 times ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अ टेम्परेट फॉरेस्ट इन द मिडवेस्ट ऑफ USA. मिडवेस्ट ऑफ USA इज़ अ पोलर रीजन, तो वहाँ पे जो वस्कुलर प्लांट्स हैं वो कम है, और जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है इक्वाडोर वहाँ पे ज़्यादा है 10 times. तो दिस इज़ द सेकेंड एग्जाम्पल विच टेल्स यू दैट इक्वेटर पे डाइवर्सिटी ज़्यादा है और आपके पोल्स पे कम है. दिस इज़ द एग्जाम्पल विच वी हैव डन ऑलरेडी. नाउ अगर हम बात करें अमेजन रेन फॉरेस्ट की, जो साउथ अमेरिका में है, ये भी इक्वेटर के पास है, तो इट इज़ द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन द अर्थ. तो ये डाटा आपकी बुक में दिया हुआ है, वहाँ पे मोर देन 40,000 प्लांट्स हैं, 3,000 फिशीज, 1,300 बर्ड्स, 427 मैमल्स एम्फीबियंस, देन 378 रेप्टाइल्स और मोर देन 125,000 इनवर्टिब्रेट्स. डाटा इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस. नाउ दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वट आर द रीजन्स फॉर मोर बायोडाइवर्सिटी इन द ट्रॉपिक्स देन द टेम्परेट रीजन्स. तो बेटा इसके ना तीन पॉइंट्स हैं. ये आपका बुक का जो आपका 5th पेज है, उसमें ये लास्ट पैराग्राफ ABC करके तीन पॉइंट्स दिए हुए हैं, और वहाँ पे क्वेश्चन भी ऊपर लिखा हुआ है, व्हाई ट्रॉपिक्स हैव मोर डाइवर्सिटी देन द टेम्परेट रीजन. ये 3 number के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर दीज बोर्ड एग्जाम्स. सो सबसे पहले तो ट्रॉपिक्स आर नॉट फ्रीक्वेंटली हैविंग एनी ग्लेशिएशन, वहाँ पे ग्लेशियर्स मेल्ट नहीं हो रहे, इसकी वजह से वहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं होती. तो डिस्टर्बेंस ना होने की वजह से वहाँ पे देयर इज़ मोर एवोल्यूशनरी टाइम, एवोल्यूशन के लिए ज़्यादा टाइम होता है, इसीलिए वहाँ पे स्पीशीज डाइवर्सिटी भी क्या होती है, ज़्यादा. और जिस तरीके से मैंने बताया आपको, वैसे ही आंसर लिखना. सेकेंड, जो ट्रॉपिक्स होते हैं उनका क्या होता है बेटा, दे हैव कॉन्स्टेंट एनवायरमेंट एंड मोर प्रिडिक्टेबल. प्रिडिक्टेबल मतलब हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए जो भी स्पीशीज है वो प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि इसके बाद क्या
एंड मतलब आपका सीजन आएगा, तो इस वजह से देर इज निच स्पेशलाइजेशन. निच मतलब उनका हैबिटेट स्पेशलाइज हो जाता है, विच लीड्स टू मोर रिप्रोडक्शन एंड मोर स्पीशीज डाइवर्सिटी. ठीक है, तो ऐसे मतलब आप कोरिलेट कर सकते हैं. एंड थर्ड ट्रॉपिक्स में देर इज मोर अवेलेबिलिटी ऑफ सोलर एनर्जी, तो जितनी सोलर एनर्जी ज़्यादा अवेलेबल होगी उतनी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, जितनी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन ज़्यादा होगी, उतनी स्पीशीज डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी. तो तीन पॉइंट्स आपको लिखने हैं और ये उनके कीवर्ड्स हैं. ये कीवर्ड्स को यूज़ करके यू कैन एलैबोरेट द आंसर. बट जो जो मैंने बताया निच स्पेशलाइजेशन, ठीक है, उसके बाद ग्लेशिएशन एंड ऑल, मतलब ये सारे वर्ड्स कीवर्ड्स हैं वो आपको लिखने ही लिखने हैं. नाउ द सेकेंड पैटर्न टू स्टडी बायोडाइवर्सिटी की क्यों ट्रॉपिक्स में ज़्यादा है और टेम्परेट्स में कम है, दैट इज स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप. तो बेटा एक बायोलॉजिस्ट है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, उन्होंने साउथ अमेरिकन जंगल्स में रिसर्च की थी और उन्होंने कहा था जितना एरिया एक्सपेंड होता रहता है उतनी स्पीशीज एरिया, जो स्पीशीज रिचनेस है जितना एरिया एक्सप्लोर ज़्यादा होगा उतनी स्पीशीज रिचनेस भी क्या होगी ज़्यादा, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट. एक लिमिट तक मतलब एरिया एक्सप्लोर बढ़ता जाएगा, स्पीशीज जो रिचनेस है वो भी बढ़ती जाएगी, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट. तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये हमें डाटा दिया है, तो ये डाटा आप देख सकते हैं. दिस इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीशीज रिचनेस एंड एरिया. और ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 5 नंबर में बहुत बार CBSE बोर्ड्स में आ चुके हैं. तो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. और जब हम रिलेशनशिप बिटवीन स्पीशीज रिचनेस और एरिया बनाते हैं तो दैट कम्स आउट टू बी अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एंड इट्स इक्वेशन इज S इज इक्वल टू CA^Z. तो S इज स्पीशीज रिचनेस, C इज Y इंटरसेप्ट, Z इज द स्लोप ऑफ लाइन और रिग्रेशन कोफिशियंट. तो बेटा ये आपको याद रखना है. और A है एरिया, तो Z क्या है, रिग्रेशन कोफिशियंट. तो पेपर में वो पूछ लेते हैं व्हाट इज Z और रिग्रेशन कोफिशियंट. तो व्हेन वी प्लॉट अ ग्राफ फॉर स्पीशीज रिचनेस एंड एरिया देन द ग्राफ कम्स आउट टू बी अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. तो द वैल्यू दैट इज डिटरमाइंड फ्रॉम इट दैट इज नोन एज रिग्रेशन कोफिशियंट और Z वैल्यू. ठीक है, तो ये आपको इसकी डेफिनेशन याद करनी है, बुक में नहीं दी हुई तो मैंने बता दिया आपको. On the logarithmic scale, the relationship is a straight line and the equation then is log S is equal to log C plus Z log A. मतलब वैसे जो relationship है species richness और area की वो क्या है, वो एक rectangular hyperbola है. But जब हम उसको पढ़ते हैं on a logarithmic scale, it comes out to be a straight line. अब ये मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे होता है. तो इसके लिए आपको ये चीज़ थोड़ी देखनी पड़ेगी. जितना बेटा area small होगा, area small होगा मतलब कम एरिया, तो उसमें स्पीशीज रिचनेस भी क्या होगी, कम होगी. तो जो Z है रिग्रेशन कोफिशियंट, क्योंकि स्पीशीज रिचनेस और एरिया के साथ ही हम Z की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो तब Z की वैल्यू कितनी आएगी, 0.1 to 0.2. और इसकी एग्जांपल्स आपकी बुक में दी हुई है फॉर लाइक बर्ड्स इन ब्रिटेन, ठीक है, मोलस्क इन न्यूयॉर्क. मतलब हम एक एरिया के सिर्फ एक स्पीशीज को देख रहे हैं. तो एरिया कम स्पीशीज कम तो Z की वैल्यू कम. जब मैं क्या करूंगा, एरिया बढ़ा लूंगा. अब मैं सिर्फ एक एरिया नहीं देख रहा, मैं पूरा कॉन्टिनेंट देख रहा हूं. तो फॉर अ लार्ज कॉन्टिनेंट Z की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, क्योंकि स्पीशीज डाइवर्सिटी ज्यादा है. तो वहां पे Z की वैल्यू हो जाएगी 0.6 to 1.2 और स्लोप हो जाएगा स्टीप. स्टीप मतलब और सीधा हो जाएगा. जब तक एरिया और स्पीशीज डिस्टेंस कम रहेगी तब तक स्लोप क्या रहेगा, वो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रहेगा. जैसे जैसे एरिया और स्पीशीज डिस्टेंस बढ़ते रहेंगे तो आपका जो स्लोप है वो स्टीप हो जाएगा, सीधा हो जाएगा. और अगर मैं एरिया और बढ़ा लूँ, लाइक फ्रुगिवोरस बर्ड्स एंड मैमल्स इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ 2 different continents. अब मैंने 2 continents ले लिए, एरिया और बढ़ गया, तो Z की वैल्यू हो गई 1.15. तो ग्राफ आपका और Z की वैल्यू और स्टीप हो जाएगी, ग्राफ ये और सीधा हो जाएगा. तो बेटा पेपर में ये क्वेश्चन आता है 0.1 to 0.2 क्या डिपेक्ट करता है, 0.6 to 1.2 क्या डिपेक्ट करता है. तो आपने यही बताना है कि जितना Z की वैल्यू कम होगी इसका मतलब है एरिया कम है, स्पीशीज रिचनेस भी कम है, तो इसलिए ग्राफ इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. और जितनी आपकी Z की वैल्यू क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी, मतलब एरिया ज़्यादा स्पीशीज रिचनेस भी ज़्यादा, और उसकी वजह से आपका ग्राफ क्या होता रहेगा, स्टीप. मतलब Z की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी रिग्रेशन कोफिशिएंट की, उतना आपका जो स्लोप है वो स्टीप हो जाएगा. स्टीपर स्लोप्स मीन्स मोर वैल्यू ऑफ Z, मोर एरिया एंड मोर स्पीशीज रिचनेस. सो विद दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैज बिन डन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी, जितनी स्पीशीज डाइवर्सिटी ज्यादा हो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है. तो बेटा इसके लिए 2 नंबर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर में, दैट इज व्हाट इज डेविड टिलमैन प्लॉट एक्सपेरिमेंट. इसके बारे में डेविड टिलमैन ने क्या कहा था, तो डेविड टिलमैन ने कैसे बताया था, उसने कहा प्लॉट्स विद मोर स्पीशीज, जिन प्लॉट्स में जिन एरिया में ज्यादा स्पीशीज होंगी वहां पे लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन देयर टोटल बायोमास आएगा. मतलब स्पीशीज ज्यादा है
तो उनके बायोमास में वेरिएशन क्या आएगी, कम आएगी, इसकी वजह से क्या होगा। अगर बायोमास में वेरिएशन कम आ रही है मतलब स्पीशीज के बायोमास ज़्यादा है, तो इसकी वजह से जितनी डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी उतनी प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी ज़्यादा। तो वो जो आपका पर्टिकुलर एरिया होगा या प्लॉट होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। इट इज़ एसेंशियल फॉर इकोसिस्टम हेल्थ एंड सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन रेस। तो व्हाट इज डेविड टिलमैन्स प्लॉट एक्सपेरिमेंट, इट इज़ मेनली मोर स्पीशीज विद लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन देयर बायोमास विल कॉन्ट्रीब्यूट टू हायर प्रोडक्टिविटी, एंड हायर प्रोडक्टिविटी इज रिक्वायर्ड फॉर मोर स्पीशीज डाइवर्सिटी। नाउ द सेकेंड थिंग दैट टेल्स अस द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी, बेटा जो हेडिंग है ना, हेडिंग बहुत ध्यान से पढ़नी है। एनसीईआरटी जब भी पढ़ रहे हो हर एक टॉपिक की पहले हेडिंग पढ़ो, वो हेडिंग बताना क्या चाहती है। अगर वो पढ़ लोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा हर क्वेश्चन को जज करना। तो सेकेंड इज राइवट पॉपर हाइपोथेसिस दैट वॉज गिवन बाय पॉल एरलिच। पॉल एरलिच ने अब क्या कहा, इसने एक एनालॉगी दी टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसने अब क्या बताया, इसने कहा कि सपोज कीजिए जो एक एरोप्लेन है वो एक इकोसिस्टम है, और एक एरोप्लेन के जितने पार्ट्स को हमने ज्वाइन करके वो एरोप्लेन बनाया वो उसके राइवट्स हैं। ठीक है, पार्ट्स को हमने राइवट्स कह दिया। एरोप्लेन अगर इकोसिस्टम है तो जो राइवट्स हैं वो क्या है, स्पीशीज, मतलब क्योंकि स्पीशीज से ही इकोसिस्टम बनता है। अगर एक पैसेंजर जाते जाते एरोप्लेन में से एक राइवट को पॉप कर ले, मतलब निकाल के ले जाए, इनिशियली तो वो फ्लाइट सेफ्टी को बिल्कुल अफेक्ट नहीं करेगा, बट जितने राइवट ज़्यादा से ज़्यादा रिमूव होते जाएंगे प्लेन क्या हो जाएगा, डेंजरसली वीक। इसी तरह अगर एक एक स्पीशीज कम होती जाएगी आपके इकोसिस्टम में से, तो एक टाइम पे आके क्या होगा, एक टाइम पे आके वो इकोसिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, एंड दैट विल नॉट बी बेनिफिशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन रेस। अगर आगे देखें हम, राइवेट्स पे भी डिपेंड करता है कौन सा राइवेट पॉप करके लेके जा रहा है पैसेंजर, मतलब अगर वो एरोप्लेन में से उतर रहा है तो वो कौन सा राइवेट पॉप करके लेके जा रहा है, निकाल के लेके जा रहा है। अगर तो वो विंग्स निकाल के ले गया, विंग्स क्या है, की स्पीशीज, सबसे इंपॉर्टेंट स्पीशीज, तो इट इज़ मोर डेंजरस टू फ्लाइट सेफ्टी देन लॉस ऑफ फ्यू राइवेट्स ऑन द सीट्स और विंडोज। मतलब देखो अगर जाते जाते कोई सीट ले गया, सीट से कुछ नहीं होता, सीट से इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बट अगर उसके विंग्स ही उतार के ले गया, मतलब जो की स्पीशीज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्पीशीज, अगर वही चली गई तो जो आपका इकोसिस्टम है वो डेंजरसली क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो विद दिस वी एंड अप द फर्स्ट पार्ट, नाउ वी विल स्टार्ट विद द सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में हम बेटा बायोडाइवर्सिटी के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, MCQs उसमें से आने वाले हैं। IUCN की रेड लिस्ट 2004 में जो उन्होंने जनरेट की, उन्होंने कहा कि 784 स्पीशीज लास्ट 500 ईयर्स में एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, जिसमें 338 वर्टिब्रेट्स से 359 इनवर्टिब्रेट्स और 87 प्लांट्स। ये न्यूमेरिक डिजिट्स कभी CBSE बोर्ड्स में पूछते नहीं है, ये पूछते हैं पेपर क्वेश्चन में कि जो 500 साल में रिसेंट एक्सटिंक्शन हुई हैं वो क्या क्या है और किस एरिया में से हैं। तो डोडो मॉरिशियस, ये याद करना है एरिया, साथ में क्वागा अफ्रीका, थायलासिन ऑस्ट्रेलिया, स्टेलस सीका और रशिया, और 3 सबस्पीशीज ऑफ टाइगर फ्रॉम बाली, जावा एंड कैस्पिया। तो देखिए कितना अच्छा व्यू लग रहा है, डायग्रामेटिक व्यू, ये बुक में डायग्राम्स नहीं है। और लास्ट 20 ईयर्स में 27 स्पीशीज डिसअपियर हो चुकी हैं, मोर देन 15,500 स्पीशीज दे आर फेसिंग अ थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। 12% उसमें बर्ड्स हैं, 23% मैमल्स, 32% एम्फीबियंस और 31% जिम्नोस्पर्म्स। तो बेटा पेपर में ये पूछा जाता है कि विच इज़ द स्पीशीज विच इज फेसिंग द हाईएस्ट थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, दैट इज एम्फीबियंस। और जो करंट स्पीशीज एक्सटिंक्शन है वो 100 to 1000 टाइम्स फास्टर है देन द प्री ह्यूमन टाइम्स। ठीक है, मतलब ये जो एपिसोड चल रहा है, दिस इज द 6th एपिसोड ऑफ एक्सटिंक्शन दैट इज गोइंग ऑन। ह्यूमंस के पहले 5 एपिसोड्स ऑफ एक्सटिंक्शन ऑलरेडी हो चुके हैं, पर वो इतने फास्ट नहीं थे, वो एक्सटिंक्शंस बहुत धीरे हुई हैं। ह्यूमंस के आने के बाद जो एक्सटिंक्शन है वो 100 to 1000 टाइम्स इंक्रीज हो गई है, और ये कौन सा एपिसोड ऑफ एक्सटिंक्शन चल रहा है, 6th एपिसोड ऑफ एक्सटिंक्शन। एंड इफ दिस ट्रेंड कंटिन्यूज तो हाफ ऑफ ऑल द स्पीशीज ऑन द अर्थ माइट एक्सटिंक्ट विद इन नेक्स्ट 100 ईयर्स। नाउ व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो बेटा अभी ये ध्यान से समझना, कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी वो अलग है, effects of loss of biodiversity वो लगे हैं। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है आपका। causes of loss of biodiversity वाले पैराग्राफ शुरू होने से पहले ये ऊपर पैराग्राफ में 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये आपने बहुत ध्यान से समझने हैं। What are the effects of loss of biodiversity? नंबर 1, अगर बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाएगी, there will be decline in plant production, there will be environmental perturbations like drought, and there will be increased variability in the ecosystem processes like प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज एंड पेस्ट एंड डिजीज साइकिल। की लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी से क्या इम्पैक्ट होगा, तो ये वो 3 इम्पैक्ट्स पढ़ेंगे, ये आपने ध्यान रखना है। बुक में पैराग्राफ्स देखिए पर यहाँ से बहुत अच्छे से पढ़िए, ठीक है।
नाउ व्हाट आर द फोर मेजर कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. पेपर में एक बार क्वेश्चन आया व्हाट इज इविल क्वार्टेट. बच्चों को पता ही नहीं था, उन्होंने टर्म ही नहीं पढ़ी. ये टर्म ब्रैकेट में दी हुई है कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में. इविल क्वार्टेट, क्वार्टेट मीन्स फोर कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, वो इविल है. तो वो चार क्या है? हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन और को एक्सटिंक्शन. तो सबसे पहले बेटा मैं बात करूंगा हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन की. तो पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. अब चार कॉजेज हैं और हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन की पहली लाइन ही लिखी हुई है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज. तो चारों में से सबसे इंपॉर्टेंट या मेजर जो कॉज है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी वो बेटा क्या है? हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन. इसकी एग्जांपल क्या है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो कभी 14% कवर करते थे, वो सिर्फ कितना कवर करते हैं? 6%. तो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल. थाउजेंड्स ऑफ हेक्टर्स ऑफ रेन फॉरेस्ट आर बीइंग लॉस्ट विद इन आवर्स. ठीक है, ये भी आपको याद रखना है. अब जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है वो क्यों खत्म हो रहा है? तो ये दो नंबर का क्वेश्चन पेपर में आता है, हैबिटेट लॉस. अमेजन रेन फॉरेस्ट क्यों कम हो रहा है? क्योंकि वहां पर क्या कल्टिवेट की जा रही है? सोयाबीन्स फॉर कन्वर्जन ऑफ ग्रासलैंड्स फॉर कैटल. ठीक है, वहां पे एक तो सोयाबीन्स को कल्टीवेट किया जा रहा है और वहां पे बीफ कैटल को मतलब ग्रो करने के लिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा उस लैंड को क्या किया जा रहा है? यूज किया जा रहा है. ठीक है, तो ये आपको दो चीजें याद रखनी है, क्योंकि उसको ग्रासलैंड में कन्वर्ट कर दिए ताकि बीफ कैटल ज्यादा से ज्यादा वो फिर उससे मतलब ऑब्टेन कर सके. तो ये दो रीजंस आपको याद करने हैं. ये हैबिटेट लॉस का हो गया. अब बात करेंगे फ्रेगमेंटेशन. हाउ इज फ्रेगमेंटेशन अ मेजर थ्रेट फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी? फ्रेगमेंटेशन अफेक्ट्स मेनी एनिमल्स दैट रिक्वायर लार्ज टेरिटरीज एंड माइग्रेट फ्रॉम वन एरिया टू द अनदर. बेटा जिन ऑर्गेनिजम्स को बहुत लार्ज टेरिटरीज रहने के लिए चाहिए और जो एक जगह से माइग्रेट होकर दूसरी जगह तक आते हैं, तो अगर उन्हें अपना प्रॉपर एरिया नहीं मिलेगा, वो फ्रेगमेंट हो जाएगा, तो इससे जो पॉपुलेशन डिक्लाइंस हैं वो क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे. तो दिस इज द मेजर. और ये एनसीईआरटी में से बहुत ध्यान से आपको ये पैराग्राफ पढ़ना है बहुत अच्छे से. ठीक है, लास्ट वाले चार पांच लाइंस में आपको बहुत बढ़िया आंसर्स इसके लिखे हुए हैं, कीवर्ड्स के साथ करना है आपको. नेक्स्ट, ओवर एक्सप्लॉयटेशन. ओवर एक्सप्लॉयटेशन व्हेन नीड टर्न्स इनटू ग्रीड. जब जो हमारी जरूरत है वो लालच बन जाती है, तब क्या करते हैं हम? ओवर एक्सप्लॉयटेशन. ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से कौन से दो ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक्सटिंक्ट हुए? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में पूछते हैं. तो उसके आंसर हैं स्टेलस सी कव और पैसेंजर पिजन. और आपकी बुक में ज़रूर देखिएगा, एक और बहुत ही अच्छी एग्जांपल बुक में दी हुई है. ठीक है, तो पढ़ के मुझे याद कीजिएगा कि हाँ सर ने बताया था. ठीक है, वो ध्यान से पढ़िएगा. इसके साथ ही एक और नीचे लाइन ली हुई दी हुई है. नाउ एलियन स्पीशीज. एलियन होती है बेटा फॉरेन स्पीशीज, इंडिजीनियस होती है एक एरिया की नेटिव स्पीशीज. तो एलियन स्पीशीज की वजह से अगर हम उन्हें इंट्रोड्यूस कर दें तो एक एरिया की जो नेटिव स्पीशीज है वो एक्सटिंक्ट होने लग पड़ती है. तो सबसे पहले इसकी तीन एग्जांपल्स. ये तीन नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट. एलियन स्पीशीज इन्वेजन कैसे कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है? तो सबसे पहले एग्जांपल, नाइल पर्च एक फिश है जो लेक विक्टोरिया में है. उसकी वजह से जब वो इंट्रोड्यूस की गई तो 200 स्पीशीज ऑफ सिकलेट फिश उस लेक में से क्या हो गई? एक्सटिंक्ट हो गई. तो दिस इज द फर्स्ट कॉज. सेकेंड, एक हमारे इन्वेजिव वीड्स हैं. वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स लाइक कैरेट ग्रास, पर्थेनियम, लैंटन और वाटर हाइसेंथ, इशॉर्निया. इशॉर्निया नाम याद रखना है. ये जो है अगर ये किसी एरिया में इंट्रोड्यूस हो जाए तो वो उसकी नेटिव स्पीशीज को क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं. तो दिस इज द सेकेंड रीजन और सेकेंड एग्जाम्पल. थर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन कैटफिश दैट इज क्लेरियस गैरीपाइनस इन द इंडियन फिशीज फॉर एक्वा इन द इंडियन रिवर्स फॉर एक्वाकल्चर इज कॉजिंग अ मेजर थ्रेट टू द इंडिजीनियस और आर नेटिव इंडियन कैटफिशेस. सो ये आपका थर्ड कॉज है. एंड लास्ट कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज को एक्सटिंक्शन. को एक्सटिंक्शन बेटा क्या है? को मतलब इकट्ठे. सपोज कीजिए दो स्पीशीज आपस में लिंक्ड है, व्हेन अ स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट जो उससे एसोसिएटेड है वो भी क्या हो जाएगी? एक्सटिंक्ट हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल एक होस्ट है, ठीक है, एक पैरासाइट उस पर डिपेंडेंट है, वो उससे ही अपना क्या लेता है? फूड लेता है. सपोज कीजिए होस्ट किसी वजह से एलिमिनेट हो गया तो जो पैरासाइट है वो उस पर डिपेंडेंट था खाने के लिए, पैरासाइट भी साथ साथ क्या हो जाएगा? एक्सटिंक्ट. तो व्हाट इज दिस कॉल्ड? को एक्सटिंक्शन. मतलब होस्ट के साथ साथ पैरासाइट भी क्या हो गया? एक्सटिंक्ट हो गया. ऐसे ही को इवॉल्व, को एवोल्यूशन. को एवोल्यूशन क्या होता है? एक प्लांट और एक पॉलिनेटर, ठीक है, एक स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट है जो प्लांट को पॉलिनेट करती है. सपोज कीजिए प्लांट के अंदर क्या आया? एवोल्यूशन आ गया. तो जो इंसेक्ट है उसे भी अपने अंदर क्या लाना पड़ेगा? एवोल्यूशन. तभी वो दोनों को इवॉल्व कर पाएंगे. ठीक है, नहीं कर पाएंगे तो को एक्सटिंक्ट कर जाएंगे. तो ये भी आप एग्जांपल, यक्का और मॉथ प्लांट चैप्टर टू उसमें से याद कीजिए. चैप्टर टू में यक्का और मॉथ की एग्जांपल है. तो दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईच अदर. तो वो एग्जांपल आप इसमें कोट कर सकते हैं. नाउ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन. अब बेटा कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी पढ़ लिया, बायोडाइवर्सिटी
कॉजेस के रीजंस क्या हैं सब पढ़ लिया. अब हमने पढ़ना है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी को बचाएं कैसे. तो देर आर थ्री आर्ग्यूमेंट्स और थ्री रीजंस फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, नैरोली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट एंड एथिकल आर्ग्यूमेंट्स. सबसे पहले बेटा मैं बात करूंगा नैरोली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट. नैरोली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है, हम क्या डायरेक्ट बेनिफिट्स लेते हैं, दैट इज द डायरेक्ट आर्ग्यूमेंट कि विच आर द डायरेक्ट थिंग्स दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम द बायोडाइवर्सिटी, इस वजह से हमें उसे कंजर्व करना चाहिए. तो सबसे पहले हम इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या क्या लेते हैं, फूड, फायरवुड, फाइबर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स लाइक टैनिंस, लुब्रिकेंट्स, डाइज, रेजिन्स एंड परफ्यूम्स एंड मेडिसिंस. मोर देन 25% ऑफ द ड्रग्स आर ऑल्सो डिराइव्ड फ्रॉम द प्लांट्स. 25,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स विच हैव मेडिसिनल वैल्यू दे आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बायोडाइवर्सिटी. तो इसीलिए हमें उसे बचाना है क्योंकि हम डायरेक्टली उससे बहुत बेनिफिट ले रहे हैं. फिर सेकेंड इज ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट. ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट मीन्स वट आर द इनडायरेक्ट बेनिफिट्स जिसकी वजह से हमें उसे बचाना चाहिए. तो इनडायरेक्ट बेनिफिट्स क्या है बेटा, फर्स्ट बेनिफिट इज जैसे अमेजन रेन फॉरेस्ट है वो 20% ऑक्सीजन पूरे अर्थ को देता है. 20% ऑक्सीजन अर्थ को दे रहा है, इसका मतलब क्या है, इट इज कॉल्ड द लंग्स ऑफ द प्लैनेट और वो फ्री में दे रहा है, इनडायरेक्ट बेनिफिट. सेकेंड, जो बीज, बम्बल बीज, बर्ड्स या बैट्स हैं वो प्लांट्स की पॉलिनेशन फ्री में कर रहे हैं. अगर सपोज कीजिए वो चार्ज करने लग पड़े, अगर वो चार्ज करने लग पड़े वी कैन नॉट बी एबल टू अफोर्ड देम. तो दिस इज द सेकेंड रीजन वाई वी शुड प्रिजर्व देम. एंड थर्ड रीजन वाई वी शुड प्रिजर्व देम, वी ऑब्टेन एन इनडायरेक्ट बेनिफिट फ्रॉम द बायोडाइवर्सिटी. वट इज द इनडायरेक्ट बेनिफिट दैट वी ऑब्टेन, दैट इज द एस्थेटिक प्लेजर दैट वी ऑब्टेन बाय वॉकिंग इन द वुड्स. जो पोइट्स हैं या हम कह लीजिए कि स्टोरी राइटर्स हैं वो वुड्स में वॉक करके या एस्थेटिक प्लेजर में ही अपनी कविताएं या पोइम्स लिखते हैं. तो दिस इज द इनडायरेक्ट बेनिफिट, द कामनेस एंड पीस ऑफ माइंड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम द बायोडाइवर्सिटी. एंड द लास्ट इज एथिकल आर्ग्यूमेंट. एथिक्स क्या कहते हैं, एथिक्स कहते हैं कि हर एक स्पीशीज का एक इंट्रिंसिक वैल्यू है. हो सकता है कि इकोनॉमिकली एक स्पीशीज मेरे लिए बेनिफिशियल ना हो, पर ये नहीं है कि मैं उसे खत्म कर दूं. हो सकता है वो किसी और फूड चेन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो. तो इट इज आर मॉरल ड्यूटी दैट वी आर शेयरिंग दिस प्लैनेट विद मेनी ऑर्गेनिजम्स एंड इट इज आर मॉरल ड्यूटी टू प्रिजर्व एंड कंजर्व ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म. सो फॉर मॉरल एथिक्स वी हैव टू कंजर्व, दिस इज द एथिकल आर्ग्यूमेंट. एंड द लास्ट टॉपिक विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट वंस अगेन, दैट इज विच आर द टू मेथड्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन. तो बेटा बच्चों को ये नहीं पता लगता इन सीटू मेथड्स क्या है और एक्स सीटू क्या है. तो देर आर टू मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन. सबसे पहले मैं बात करूंगा इन सीटू कंजर्वेशन मेथड्स. इन मतलब अगर मैं किसी ऑर्गेनिज्म को या किसी एंडेंजर्ड स्पीशीज को उसके हैबिटेट के अंदर ही कंजर्व करूँ, दैट इज कॉल्ड इन सीटू कंजर्वेशन मेथड. और जब मैं उसको उसके हैबिटेट से, नेचुरल हैबिटेट से बाहर निकाल के एक आर्टिफिशियल हैबिटेट में कंजर्व करूँ, दैट इज कॉल्ड एक्स सीटू. एक्स मीन्स एग्जिट, बाहर निकाल के. तो इन सीटू कंजर्वेशन में द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज और ऑर्गेनिजम्स विद इन देयर नेचुरल और ह्यूमन मेड इकोसिस्टम्स इन विच दे अकर, इट इंक्लूड्स. तो कौन कौन से हैं बेटा इन सीटू कंजर्वेशन मेथड्स, पेपर में बहुत बार एमसीक्यूज आते हैं. आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर द इन सीटू कंजर्वेशन मेथड्स, तो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो आप 10th में पढ़ते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स, दे ऑल आर इन सीटू कंजर्वेशन मेथड्स. इंडिया में 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, 90 नेशनल पार्क्स और 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. नेशनल पार्क्स आर द एरियाज विच आर स्ट्रिक्टली रिजर्व फॉर द वेलफेयर ऑफ द वाइल्ड लाइफ, जहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप, कल्टिवेशन, ग्रेजिंग बिल्कुल अलाउड नहीं है. वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वेयर प्रोटेक्शन इज गिवन ओनली टू द एनिमल्स, पर यहाँ पे प्राइवेट मतलब कुछ कलेक्शन ऑफ टिम्बर माइनस जो कुछ माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं प्राइवेट ओनरशिप अलाउड है जब तक वो एनिमल्स को हार्म ना करें. एग्जाम्पल यू कैन सी पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. बायोस्फीयर रिजर्व्स, दे आर द एरियाज ऑफ द लैंड और कोस्टल इकोसिस्टम्स फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज. मतलब बिल्कुल सी एरिया के पास पास जो एरियाज कोस्टल एरियाज हैं जिनको हम कंजर्व कर सकते हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए मतलब फ्यूचर यूज़ के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हैं, उन्हें हम प्रिजर्व करते हैं नेचुरली और उनके ऑर्गेनिजम्स को भी, दैट आर कॉल्ड बायोस्फीयर रिजर्व्स. ये तो हो गए तीन इन सीटू कंजर्वेशन मेथड्स. चौथा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सैक्रेड ग्रूव्स. सैक्रेड मतलब पवित्र. अब इसमें लोगों को उल्लू बनाया जाता है. कैसे उल्लू बनाया जाता है, कुछ फॉरेस्ट सेगमेंट्स हैं जिन्हें कुछ कम्युनिटीज़ को दे दिया जाता है और कम्युनिटीज़ वहाँ पर कुछ चीज़ों को क्या करती हैं, मतलब जैसे रिलीजियसली उनको क्या करती हैं, पूजा करती हैं उनकी. तो लोगों को मतलब ये कहा जाता है प्रॉपरली कि यहाँ पे कुछ रिलीजियस चीज़ें हैं इस वजह से इन्हें बचाना है. बट एक्चुअली रीज़न क्या है,
जो सेक्रेट ग्रूव्स हैं वहाँ पे बहुत सारे एंडेंजर्ड और रेयर स्पीशीज़ होती हैं, रेयर मतलब जो बहुत रेयरली मिलती हैं, एंडेंजर्ड जो ख़त्म होने वाली हैं, तो इसीलिए लोग वहाँ पे हंटिंग ना करें, पोचिंग ना करें, उसको रोकने के लिए वहाँ पे कह दिया जाता है कि ये सेक्रेट एरिया है। ठीक है, तो सेक्रेट ग्रूव्स कहाँ कहाँ पे हैं? खासी एंड जयंती हिल्स इन मेघालय, अरावली हिल्स इन राजस्थान, वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, एंड सरगुजा, चंदर एंड बस्तर रीजन्स ऑफ मध्य प्रदेश। नाउ दिस वॉज ऑल अबाउट इन सीटू कंजर्वेशन। नेक्स्ट इज द एक्स सीटू कंजर्वेशन, वेन वी कंजर्व द ऑर्गेनिजम्स आउटसाइड देयर हैबिटेट। जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके हैबिटेट के बाहर कंजर्व करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो बेटा ये अब मैं कुछ बताने लगा हूँ विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वट आर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स? बेटा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर दैट रीजन्स विच हैव हाई स्पीशीज रिचनेस एंड हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म। दोनों पॉइंट लिखने हैं, इसके नंबर कटते हैं नहीं तो। हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, बट आर एंडेमिक स्पीशीज विच आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया नॉट फाउंड एनी वेयर एल्स। ठीक है, ये दोनों चीज़ें लिखनी है, फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन, नॉट फाउंड एनी वेयर एल्स। और यहाँ पे ये एरिया बचाना बहुत ज़रूरी है। इंडिया में 34 हॉटस्पॉट्स हैं, देयर आर 34 हॉटस्पॉट्स इन द वर्ल्ड, 3 हॉटस्पॉट्स इंडिया में है। ठीक है, तो 34 हॉटस्पॉट्स वर्ल्ड में है, इंडिया में 3 है। कौन कौन से? तीनों के नाम याद रखते हैं। फर्स्ट कंबाइंड है वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, फर्स्ट हॉटस्पॉट इंडो बर्मा, सेकंड एंड थर्ड इज हिमालय। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ हाँ जी, अब हाउ कैन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कंजर्वेशन लीड टू डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन? ठीक है, मतलब अगर हम सिर्फ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स को कंजर्व कर लें तो इससे कैसे जो स्पीशीज लॉस है वो कम हो जाएगा 30%? तो बेटा ये आपने पूरा आंसर लिखना है इसमें। हॉटस्पॉट्स चाहे लेस देन 2% एरिया पूरे अर्थ का कवर करते हैं, बट उनमें स्पीशीज रिचनेस सबसे ज़्यादा है। तो अगर हम एक एक करके छोटे छोटे एरियाज को कंजर्व ना करें, इन हॉटस्पॉट्स को ही कंजर्व कर लें जिनमें स्पीशीज रिचनेस बहुत ज़्यादा है, तो इससे जो ऑन गोइंग एक्सटिंक्शन है वो कितने परसेंट कम हो जाएगी? 30%। तो बेटा दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हॉटस्पॉट्स को बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे बायोडाइवर्सिटी लॉस 30% क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। नाउ वट आर द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी? तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है बेटा? क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द अर्थ समिट, तो सबसे पहले अर्थ समिट हुई रियो डी जेनेरियो में 1992 में, और यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, इन्होंने इसे ऑर्गेनाइज किया, यूनेप। तो इन्होंने क्या कहा कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंटल प्रोग्राम के अंदर, यूनेप के अंदर, हमें क्या करना है? बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है, उसका सस्टेनेबल यूज़ करना है, और उसके बेनिफिट्स को आपस में क्या करना है? शेयर करना है। ये अर्थ समिट हुई थी रियो डी जेनेरियो में। फिर मैं बात करूँगा वर्ल्ड समिट की। वर्ल्ड समिट हुई जोहान्सबर्ग 2002 में, और वर्ल्ड समिट में 190 कंट्रीज ने प्लेज किया कि दे विल रिड्यूस द करंट रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस। अब नेक्स्ट बेटा मैं आपसे बात करूँगा एक्स सीटू कंजर्वेशन मेथड्स की। तो थोड़े से एक्स सीटू कंजर्वेशन मेथड्स हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स सीटू कंजर्वेशन मेथड्स हैं। तो एक्स सीटू कंजर्वेशन में हमारे पास क्या क्या है? जेनेटिक रिसोर्स सेंटर्स, जूलॉजिकल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स, बोटैनिकल गार्डन्स, जीन बैंक्स और क्रायो प्रिजर्वेशन। तो बेटा ये 6 मेथड्स हैं, ये देख लीजिए, पढ़ लीजिए, पेपर में पूछ सकते हैं कि इसमें से कौन सा एक्स सीटू कंजर्वेशन मेथड है। बोटैनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, जूलॉजिकल पार्क, ठीक है, ये तो ईजी है। जीन बैंक्स, क्योंकि उसमें आप जीन्स किसी ऑर्गेनिज्म के प्रिजर्व करते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन, जहाँ पे पॉलन ग्रेन्स या जीन्स को -196 डिग्री लिक्विड नाइट्रोजन प्रिजर्व कर सकते हैं। और जेनेटिक रिसोर्स सेंटर्स, तो बेटा दीज आर द एक्स सीटू कंजर्वेशन मेथड्स, जब हम किसी भी चीज़ को उसके जो नेचुरल हैबिटेट है उसके बाहर प्रिजर्व करते हैं। और ये ईयर्स आपने ज़रूर याद रखने हैं, अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो 1992 और वर्ल्ड समिट जोहान्सबर्ग 2002। तो बेटा विद दिस हमारा जो आज का सेशन है वो ख़त्म होता है, और हमारा जो चैप्टर 15 है वो भी ख़त्म होता है। तो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस क्विक रिवीजन सेशन। तो नेक्स्ट मैं जल्दी ही वीडियोस जेनेटिक्स की और बायोटेक्नोलॉजी की भी पोस्ट करूँगा, और ये असाइनमेंट्स भी आपके साथ कमेंट सेक्शन में मैं शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।